हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th रेनबो पार्ट 1 से प्रोज सेक्शन है लेसन 5 द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, और जिनके राइटर हैं JBS हेल्डेन। तो इसमें हम लोग वर्ड मीनिंग देखने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम यहाँ पे आ चुके हैं। लेसन 5 है द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, जिनके राइटर हैं JBS हेल्डेन। तो आइए हम लोग इसका वर्ड मीनिंग देखने वाले हैं। फर्स्ट है हमारा एवरेज, AVERAGE। एवरेज का मतलब होता है सामान्य या फिर औसत। सेकंड है हमारा बेनिफिट्स, BENEFITS। बेनिफिट्स का मतलब होता है लाभ। थ्री है हमारा ओमनीब्यूस, OMNIBUS। ओमनीब्यूस का मतलब होता है डायन, चुड़ैल या फिर जादूगरनी। ओके, अब देखें यहाँ पे फोर है ऑटोमैटिक पिस्टल, AUTOMATIC PISTOL। ऑटोमैटिक पिस्तौल का मतलब होता है स्वचालित तमंचा। ओके, फाइव है यहाँ पे सेल, SHELL। सेल का मतलब होता है होल, सीप या फिर ताबूत। सिक्स है यहाँ पे एस्केप्टिज्म, SCEPTICISM। एस्केप्टिज्म का मतलब होता है अविश्वास या फिर संशयवाद। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेवन है फॉल्स प्रोफेट्स, FALSEPROPHETS। फॉल्स प्रोफेट्स का मतलब होता है गलत पैगंबर या फिर भविष्यवक्ता। एट है यहाँ पे अबॉलिश, ABOLISH। अबॉलिश का मतलब होता है उन्मूलन करना या फिर हटाना। नाइन है सिंफोनी, SYMPHONY। सिंफोनी का मतलब होता है स्वर संगति या फिर सिफनी। ओके, टेन है यहाँ पे इंस्क्रुटेबल, INSCRUTABLE। इंस्क्रुटेबल का मतलब होता है रहस्यमय या फिर गूढ़। ओके, इलेवन है यहाँ पे ह्यूमिनिटी, HUMILITY। ह्यूमिलिटी का मतलब होता है मानवता। ट्वेल्व है यहाँ पे फेनोमेरा, फेनोमेरा है तो इसका मतलब हो जाएगा असाधारण या फिर प्रतिभासिक। ओके, फेनोमेना। थर्टीन है यहाँ पे प्रोफाउंडली, PROFOUNDLY। प्रोफाउंडली का मतलब होता है गहराई तक या फिर पूर्णतया। फोर्टीन है इथेटिकली न्यूट्रल, ETHICALLYNEUTRAL। इथेटिकली न्यूट्रल का मतलब होता है नैतिक रूप से तटस्थ। 15 है यहाँ पे बैक्टीरियोलॉजिस्ट, BACTERIOLOGIST। बैक्टीरियोलॉजिस्ट का मतलब होता है जीवाणु विज्ञान। अब देखिए यहाँ पे 16 है एक्सपोन्स, EXPONENTS। एक्सपोन्स का मतलब होता है प्रतिनिधि। आगे की बात करें 17, ड्वेल ऑन, DWELLON। ड्वेल ऑन का मतलब होता है सोचना। ओके, 18 है सेग्रेटेड, SEGREGATED। सेग्रेटेड का मतलब होता है पृथक कृत। ओके, 19 है यहाँ पे डाइवर्जेंट, DIVERGENT। डाइवर्जेंट का मतलब होता है अपसारी या फिर भिन्न। 20 है यहाँ पे कंसेप्शन, CONSUMPTION। कंसेप्शन का मतलब होता है संपर्क, संयोग या फिर खपत। ओके,
21 है यहाँ पे लिंचिंग, LYNCHING, लिंचिंग का मतलब होता है गैर कानूनी ढंग से प्राण दंड। ओके 22 है मेलेडीज, MALADIES, मेलेडाइज का मतलब होता है विकृतियों। 23 है यहाँ पे डोगमा, DOGMA, डोगमा का मतलब होता है सिद्धांत, मत या धर्म सिद्धांत। ओके 24 है यहाँ पे अमेरिकन सिविल वॉर, EMERICANCIVIL WAR, अमेरिकन सिविल वॉर का मतलब होता है अमेरिकी गृह युद्ध। 25 है स्टिंग, STING, स्टिंग का मतलब होता है दर्द, टीस या फिर कंटा। ओके 26 है क्रिश्चियन साइंटिस्ट, CHRISTIAN SCIENTIST, क्रिश्चियन साइंटिस्ट का मतलब होता है ईसाई वैज्ञानिक। ओके अब आगे देखिए 27 है डेटी, DEITY, डेटी का मतलब होता है देवता या फिर ईश्वर। 28 है यहाँ पे कॉम्बेटेड, COMBATED, कॉम्बेटेड का मतलब होता है लड़ा। 29 है इनलाइटेंड, ENLIGHTENED, इनलाइटेंड का मतलब होता है प्रबुद्ध या फिर विज्ञ। ओके दो और बचा हुआ है, 30 है यहाँ पे मॉर्टलिटी, MORTALITY, मॉर्टलिटी का मतलब होता है मृत्यु संख्या या फिर नश्वरता। 31 है यहाँ पे DIABETES, डाइब्स का मतलब होता है मधुमेह या फिर मधुमेह रोग, डायबिटीज जिसे भी कहते हैं वही यहाँ पे डाइब्स लिखा हुआ है। ठीक है तो के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इस सभी पार्ट का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर भी आने वाला है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पहले मीनिंग ख़त्म हो जाए, उसके बाद बहुत जल्द ही क्वेश्चन आंसर भी बुक का आने वाला है। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और भी क्लास 11th का साइंस स्ट्रीम्स हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, और हिंदी भी होता है तो आप लोग विजिट करके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे या चैनल के प्लेलिस्ट में भी आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। ओके थैंक्स।